जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय एक बड़ा अपडेट जो है कुलगाम इनकाउंटर से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर के दौरान जो है पहले ये खबर सामने आई थी कि कुलगाम जो है वहां के एक इलाके में जिसका नाम जो है बताया जा रहा था ओके एरिया बताया जा रहा था, वहां पर दो आतंकी जो है वो ट्रैप हुए थे। और जिस तरीके से अगर बात करें तो अब ये खबर जो है सामने आ रही है कि इन दोनों आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी जो है टीआरएफ से एफिलेटेड थे, यानी कि टीआरएफ जो तंजीम है उससे ताल्लुक रखते थे। और इन दोनों को आतंकियों को जो है ढेर करने में एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें आईजीपी कश्मीर विजय कुमार द्वारा, तो उनके द्वारा खुद ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है इस जानकारी को साझा किया गया है। और उसमें ये साफ कर दिया गया है कि दोनों आतंकी जिन्हें आज सुबह जो है ट्रैप किया गया था, क्योंकि अगर बात करें तो इस साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके के ओके इलाके में जो है वहां पर ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जो है वो छिपे हो सकते हैं। और उसी के आधार पर जो है सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें कि अगर हम बात करें पुलिस आर्मी की 9RR और साथ ही साथ CRPF के द्वारा जो है एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। और इस संयुक्त ऑपरेशन की अगर बात करें तो इलाके को कॉर्डन कर सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और जैसे ही आतंकियों ने देखा कि सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है फायर शुरू कर दिए गए थे। पर इसमें अगर बात की जाए तो हमने लगातार देखा है कि आत्मसमर्पण का मौका जो है वो लगातार दिया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से। और इसमें भी ये साफ तौर पर जो है लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, बार बार कहा गया कि वो अपने हथियार डाल दे, ऐसी अपील्स लगातार की गई। परंतु अगर बात की जाए तो आतंकियों की तरफ से बताया यही गया कि गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसमें पहले एक आतंकी को ढेर किया गया और फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो अब ये खबर सामने आ रही है कि दूसरा आतंकी भी जो है इसमें ढेर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो लगातार देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। और इससे अगर बात की जाए तो लास्ट वीक भी अगर हम बात करें तो 3 जैश मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें कि एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो भी इसमें था। और कहीं ना कहीं इस जो ट्वीट किया गया है इसमें यह साफ लिखा गया है कि 1 मोर टेररिस्ट किल्ड, टोटल 2, बोथ द किल टेररिस्ट आर लोकल, यानी कि जो दोनों आतंकी मारे गए हैं लोकल थे और ये टीआरएफ से संबंध रखते थे। और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कई बड़ी आतंकी घटनाओं में जो है ये लोग शामिल थे। अभी इनकी पहचान जो है वो किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की गई है। अभी भी इलाके में जो है अगर बात करें तो कोशिश की जा रही है, सर्च चलाया जा रहा है, एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पर जिस तरीके से अगर बात करें आतंकवाद पर प्रहार की या आतंकवाद पर चोट करने की, तो वो साफ देखने को मिल रहा है कि घाटी में जो है अगर हम बात करें साल 2022 की शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद पर प्रहार जारी हो चुका है। क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से देखने को मिला कि 3 जैश मोहम्मद के जो आतंकी थे उन्हें ढेर किया गया, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चीज थी। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें तो हमने देखा था कि सोमवार के दिन ही जो है कश्मीर घाटी में जो है इस्लाम नाम के जो निर्दोष नागरिकों को गला काटने वाला लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर था, जिसे उर्फ बिल्लू कहा जाता है, जो समीर परे था, उसे ढेर करने में कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सुरक्षा बल जो है उसमें जुटे हुए हैं कि घाटी में जो है जल्द ही उसे आतंकवाद मुक्त बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एक बड़ी चुनौती जो है इस समय रही है, क्योंकि मौसम का फायदा उठाने में लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कामयाब हो सकते हैं। परंतु अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों का घेरा जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उससे बचना जो है इनके लिए मुश्किल रहा। और इन दोनों आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है और एक उम्मीद यही देखने को लग रही है कि जल्द ही जो है ऐसे और बड़े ऑपरेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। पर आईजीपी कश्मीर ने यह साफ कर दिया है कि इस इनकाउंटर में ट्रैप हुए दोनों आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। दोनों आतंकी जो है लोकल मिलिटेंट्स हैं और टीआरएफ से ताल्लुक रखते हैं, और उम्मीद यही है कि जल्द ही जो है घाटी के अगर और आतंकी हैं वहां पर तो उन्हें भी जो है ढेर कर दिया जाए। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।